promises for a better tomorrow. Open free demat account now. Investments in securities. आशीर्वाद दिया और मैं सभी बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस उपलक्ष में एक क्विज रखी गई है जिसमें विजेता को पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। गोरबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? किसी को आ रहा है वो हाथ ऊपर कर दे। आभूषण हाँ इधर सामने राजेंद्र जी डॉक्टर साहब थोड़ा साइड में आगे से साइड में साइड में हो जाए साइड में। हेलो यो साहब है मैडम आ रहे हो एक इधर और लगा दो मैडम आप इधर लगा दो सामने देख के राजस्थान सरकार के मंत्री श्री राम प्रताप विकासनिया जी आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चूँकि राज्य सरकार की तरफ से एक पेड़ अपनी माँ के नाम कार्यक्रम बहुत ही हृदय को छूने वाली एक पंक्ति के साथ शुरुआत की गई है तो हम सब लोग यहाँ आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय एन साहब जयन साहब नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारीगण सम्मानित पार्षदगण हमारे बीच हमारे अतिथि के रूप में भी बाहर से भी पधारे लोग माताएं बहनें और बुजुर्गों जैसा कि आपको मालूम है आज सर्वप्रथम तो मैं मातृशक्ति को इस बात की बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी जीवन में ये हरियाली तीज आए दिन नए हरे रंग की तरह खिलती हुई इनके जीवन में नई ऊंचाई पर जाएं और अच्छे से इनका जीवन दाम्पत्य जीवन और अपना सामाजिक जीवन में उन्नति प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित कार्यक्रम है और उसी के निमित्त हम आज ये हरियाली तीज के उपलक्ष में एक पेड़ माँ के नाम जो है वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि पेड़
यानी वृक्ष ही है हमारा जीवन है। आए दिन जो पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है वो प्राकृतिक वनस्पति के लुप्त होने के कारण ही हो रहा है। जैसे जैसे प्राकृतिक वनस्पति लुप्त होती जा रही है, पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है और उसके साथ साथ जो वायु प्रदूषण है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ध्वनि के रूप में हो, किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण हो, गैस के कारण हो, आज इतने फ्रिज, इतने एसी जो चलते हैं वो सारे के सारे जो है इस पर्यावरण को, ओजोन परत को जो है वो खंडित करने के कगार पे हैं। अगर उसे बचाया जा सकता है तो वो पर्यावरण के संरक्षण के कारण ही बचाया जा सकता है। तो पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार ने पहल की है, माननीय विधायक जी कासनिया जी को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से जो नगर पालिका को हमें एक टारगेट दिया गया है, करीब करीब 8,000 पौधे लगाने का हमें टारगेट दिया गया है। हम हर संभव आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं, विपरीत यूँ है कि पीछे बीच में कर्मचारियों की हड़ताल रही, कर्मचारी है